पिछले 3 महीनों से हर व्यक्ति कोरोना की दहशत में जी रहा है। इस कोरोना काल ने लोगों से उनकी नौकरी छीन ली तो वहीं 2 वक्त के खाने के लिए भी तरसा दिया। लोग पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर हो गए हैं। ना सर पर छत, ना पैरों में चप्पल और ना भूख मिटाने के लिए जेब में पैसे। यह महामारी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अभिशाप है। हालांकि इस मुश्किल दौर में भी कुछ लोग आगे आए जिन्होंने इंसानियत का परिचय दिया और समाज सेवा की। आज हम आपको एक ऐसे ही परिवार से मिलाएंगे जो पिछले 3 महीनों से गरीब परिवार और प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। कर रहे हैं समाज सेवक विनय पांडे की, जिन्होंने महाकाली परिवार के माध्यम से हजारों लोगों की भूख मिटाई। दरअसल महाकाली परिवार के साथ मिलकर विनय पांडे ने अपने साथी बनारसी शुक्ला, जयंती शाह और मिथिलेश सिंह और अन्य सदस्यों की मदद से लॉकडाउन के पहले दिन से राशन सामग्री और भोजन पैकेट्स गरीब परिवारों और प्रवासी मजदूरों को बांटना शुरू किया, जो कि सतत अब भी जारी है। पिछले 3 महीनों से रोजाना 300 से 500 लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। कोरोना की वजह से जो मुंबई शहर में लॉकडाउन शुरू हुआ, पूरे देश में लॉकडाउन शुरू हुआ, मुंबई और महाराष्ट्र में 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, लोगों के काम धंधे बंद होने लगे। हम लोगों को विचार आया कि जो माइग्रेंट मजदूर है जिनका रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते, जिनका काम रोज अगर वो न करे तो उनको शाम की रोटी नहीं मिलेगी, ऐसी परिस्थिति जब हमने देखी तो हम लोगों ने महाकाली परिवार की तरफ से एक योजना शुरू की कि जो भूखे हैं हमारे इस क्षेत्र के आसपास के लोग, उन लोगों को हम लोगों ने खाना खिलाना शुरू किया। सुबह नाश्ता और रात का खाना हमने शुरू किया उन लोगों को देना। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, लॉकडाउन बढ़ने लगे, लोगों की समस्याएं बढ़ने लगी, परिवार अपने आप में भूख की गगार पर आ गए, तो हम लोगों ने फिर एक योजना और शुरू की कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिनका परिवार है और वो व्यक्ति टैक्सी चलाते हो, मजदूर हो, हाथगाड़ी चलाते हो, फुटपाथ पर धंधा करते हो, ऐसे लोगों को चिन्हित किया और उनके परिवारों को हमने राशन देना शुरू किया। 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, तेल, इस तरह से उनकी मदद हमने करनी शुरू करी। इस काम में हमारे बड़े भाई श्री दयाशंकर पटवा जी जो उद्योगपति हैं, उन्होंने काफी मेहनत हम लोगों के साथ की। हमारे पीछे वो खड़े हुए स्थानीय विधायक चौधरी जी हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए और इस योजना को हम आज यहां तक लेके चले आए। जब लॉकडाउन बढ़ने लगा, समस्याएं बढ़ने लगी, जो माइग्रेंट हमारे मजदूर थे उनको घरों की याद सताने लगी, उनको घरों से फोन आने लगे, हालांकि उनकी रोजी रोटी बंद होने के बाद उनके पास कोई काम नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे कि अपने परिवार को पाल सके, लोग घर जाने लगे, लोगों में असंतोष होने लगा, लोग अपने घरों को जाना चाह रहे थे, उन्हें साधन मुहैया उपलब्ध नहीं हो पा रहा। फिर हमने तीसरे फेज में एक योजना बनाई कि हमसे जितना बन पड़ेगा हम मजदूरों को उनके परिवार से मिलाने का प्रयास करेंगे। लोगों की भूख मिटाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों को भी उनके शहर या गांव तक पहुंचाया गया है। इस कार्य में मुंबई पुलिस, स्थानीय विधायक अजय चौधरी, महाकाली परिवार के सदस्यों सहित समाज सेवक विजय जैन की भी मुख्य भूमिका रही। प्राइवेट बसों के जरिए कई लोगों को अपने गांव राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश पहुँचाया गया। हमारे डीसीपी साहब सौरभ त्रिपाठी जी जो हमारे मित्र हैं, इनके माध्यम
इसके बाद मदद का यह कार्यवाह महाराष्ट्र तक पहुंचा, जहां उद्योगपति दयाशंकर पटवा के मार्गदर्शन में महाकाली परिवार के सदस्यों द्वारा महाराष्ट्र के कई जिलों में जरूरतमंद लोगों और प्रवासी मजदूरों तक खाना और राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, क्षेत्र में घूम रहे भूखे पशु पक्षियों को भी खाना खिलाया जा रहा है।